चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होकर रहेगी, जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने बोला है कि पाकिस्तान में ही होगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही होगी। अगर इंडिया नहीं आना चाहते सो कोई मसला नहीं, हम इंडिया के बगैर खेल लेंगे, लेकिन यह है कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए, और अगर इंडिया नहीं खेलेगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिकेट खत्म हो जाएगी। क्या आप बोलते हैं, कैसे आप बोलते हैं? पहली बात ये कि मैं कहता हूँ कि यार आप उस सब्जेक्ट पे बात ही नहीं करो जिसके बारे में आपको नहीं पता, ठीक है? अब हमारे हसन अली को ले लें, आप क्रिकेट में वो कुछ कर नहीं रहे, मतलब परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं है। कहते हैं कि जी अगर इंडिया नहीं आया चैंपियंस ट्रॉफी तो कोई मसला नहीं, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी अपना कराएगा और इंडिया के बगैर भी खेल लेगा। अबे भाई, एक तो पहली बात ये कि ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टूर्नामेंट थोड़ी है यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये टूर्नामेंट, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है हसन साहब। तो ये हसन अली की स्टेटमेंट है, और उन्होंने जिसे बोलते हैं ना बड़ा क्रिटिकल, एक सीधा बिल्कुल निशाने के ऊपर आकर बात की। उन्होंने बोला कि अगर भारतीय टीम नहीं आती है तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। वो बार बार हमें टीवी पे नजर आते हैं और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल पे वो बैठ के इंडिया को धमकी दे रहा है, इंडिया नहीं आता तो ना आए, हम इंडिया के बाहर चैंपियन ट्रॉफी करवा लेंगे। ऐसे शोखा सा है, इसको समझ आ नहीं है हसन अली को कि क्या बात करनी है क्या नहीं। जो बॉब्जी द किंग जिसने कहा है और बाद में पूरी दुनिया में उसको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इंडिया मना कर देता है तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होंगे? मेरा पाकिस्तान को फिर भी होस्ट करनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान नहीं आता जो कि मुझे नहीं लगता। इस दफा पहली दफा मुझे थोड़ा सा फीलिंग आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान ही आके खेलेगा। और फिर दूसरा ये कि आईसीसी के जितने इवेंट होते हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जितने इवेंट होते हैं, उसमें अगर इंडिया नहीं हुआ तो माल कहां से आएगा भाई? स्पॉन्सर ब्रॉडकास्टर जो पैसा दे रहा है आईसीसी को या आईसीसी इवेंट्स के लिए, इट इज गिविंग इट बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द मेजर पार्टिसिपेंट्स, प्लस दे लुक फॉरवर्ड टू द पर्सन इंडिया मैचेस। ये सिर्फ हवा में बातें हो रही है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस बार भारत की टीम पाकिस्तान आई। ये तो पागल है, ये पता नहीं क्या बातें करता है, वो कह रहा है जी हम इंडिया के बगैर खेल लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होकर रहेगी, क्योंकि चेयरमैन ने भी ये ऐलान वाज़ह तौर पर कर रही है कि सारी टीमें पाकिस्तान आएंगी। लेकिन अचानक जो है, जब भी इवेंट पाकिस्तान के पास होस्ट होने के लिए आता है, तो उस वक्त भारतीय मीडिया और भारतीय साबिक प्लेयर जो है वो एक चीज फ्लोट करना शुरू कर देते हैं कि हमारी टीम नहीं जाएगी। हम लोग भी 2023 में गए, आपने भी जाकर वहां पर भारत में खेला वर्ल्ड कप, और आपको आपने भी वहां पर देखा जिस तरह लोग प्यार करते हैं। यहां पर भी लोग उनसे ऐसे ही उनके क्रिकेटर्स के लिए बेताब हैं, उनकी झलक देखने के लिए। तो क्या ये इसको पॉलिटिसाइज क्यों करते हैं, इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं कि मतलब अपने जो है उनका मीडिया भी ये प्रिटेंड करना चाहता है कि हमारी टीम नहीं आना चाहती? ठीक है, क्योंकि मुझे तो अब इंडियन साइड का नहीं पता कि वो इस तरह क्यों करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग जाके वहां पे खेले तो उनको भी यार खेलना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने मिलियंस टाइम बोल दिया हुआ है, मोर देन मिलियंस टाइम, पता नहीं कितना बोल दिया, सपोर्ट जो क्रिकेट होती है, जो स्पोर्ट्स होती है, उसको आप पॉलिटिकल चीजों से दूर रखें, और ये बिल्कुल रखना चाहिए। जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने बोला है कि पाकिस्तान में ही होगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही होगी। अगर इंडिया नहीं आना चाहते सो कोई मसला नहीं, हम इंडिया के बगैर खेल लेंगे, लेकिन यह है कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर क्रिकेटर हसन अली ने टीवी में बैठकर बताया है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान ना भी आए, तो जिस तरह पीसीबी के चेयरमैन कह चुके हैं कि अगर इंडिया टीम ना भी आए तो हम पाकिस्तान में हर सूरत में चैंपियन ट्रॉफी करवा कर रहेंगे, तो हसन अली ने इस बात को दोहराया कि अगर चाहे इंडिया टीम आए या ना आए, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और हम पूरी दुनिया को चैंपियन ट्रॉफी करवा के दिखाएंगे। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने शदीद मजाक उड़ा हसन अली का। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि अगर चाहे इंडियन टीम ना आए, इंडियन टीम के ना आने से इतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना बड़ा नुकसान होगा आईसीसी के ब्रॉडकास्टर का, और आईसीसी के तमाम तर बड़े इवेंट बिलखसूस चैंपियन ट्रॉफी, टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, इन तमाम बड़े इवेंट को कवर करने के सारे ब्रॉडकास्ट इंडिया से होते हैं, लिहाजा अगर अपने मुल्क की टीम नहीं होगी तो वो ब्रॉडकास्टर किसी भी सूरत आकर चैंपियन ट्रॉफी को ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आईसीसी का कोई भी बड़ा इवेंट होता है वो ब्रॉडकास्टर के म्यूचुअल फंड से होता है। इतना ज्यादा फंड आईसीसी के पास नहीं होता, तमाम दर बोर्ड्स पैड डालते हैं, आईसीसी अपना फंड डालता है, लेकिन 50% से जो अबव फंड होता है वो सारा का सारा होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्टर का, और अगर ब्रॉडकास्टर वाले आके इन्वेस्ट ना करे, अपना फंड ना दे, तो आईसीसी किसी भी सूरत चैंपियन ट्रॉफी कंडक्ट नहीं करवा सकती। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि इंडियन टीम के आने से फर्क नहीं पड़ता, ब्रॉडकास्टर के आने से फर्क पड़ता है। अगर चाहे ब्रॉडकास्टर आए तो चैंपियन ट्रॉफी गेस्ट बेस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर ब्रॉडकास्टर ना आए, और अगर चाहे इंडियन टीम नहीं आएगी, बीसीसीआई पहले भी कह चुकी है कि हम अपनी टीम को नहीं बेचेंगे, और अगर इंडिया टीम नहीं आएगी तो ये बात लिख लें कि इंडिया के ब्रॉडकास्टर भी पाकिस्तान में नहीं आएंगे, और अगर इंडिया के ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान में नहीं आएंगे तो आईसीसी कितना भी जोर लगा ले, किसी भी सूरत चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कंडक्ट करवाना आईसीसी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि फंड की कमी की वजह से चैंपियन ट्रॉफी को पूरा करवाना बहुत मुश्किल है आईसीसी के लिए। उनको ये लगता है या तो उनके पास भारतीय हुकूमत की तरफ से कोई सोर्स है जिसको वो कोट करें,
ना वो बीसीसीआई को बोर्ड कर रहे हैं। बात दरअसल यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी क्रिकेट होगी, जब भी दो बोल के दूसरे में अपनी टीम खेलने के लिए भेजेंगे, फैसला ना पीसीबी करेगा, फैसला ना बीसीसीआई करेगा, फैसला दोनों मुल्कों की हुकूमतें करेंगी। माजी में भी हुकूमतें पाकिस्तान ने लचक का मुजाहरा किया, उन्होंने क्रिकेट को सियासत से दूर रखा, लेकिन अफसोस के बॉर्डर पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार भारत की टीम पाकिस्तान आई। इंडिया मना कर देता है तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होंगे? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को फिर भी होस्ट करनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, जो कि मुझे नहीं लगता। इस दफा पहली दफा मुझे थोड़ा सा फीलिंग आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान ही आके खेलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट अगर वो नहीं आता तो पाकिस्तान को होस्ट तो करनी चाहिए, ठीक है, और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल होस्ट करनी चाहिए। बाकी ममालिक आते हैं तो आए, इंडिया अगर कहीं और खेलना चाहता है तो इंडिया ठीक करे फिर तो आईसीसी पे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं कि भारत अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो ना आए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए और भारत के अलावा भी बहुत सी क्रिकेट है, भारत नहीं आता तो क्रिकेट खत्म नहीं हो जाती, और भी बहुत सी टीमें हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेटर्स में से पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी खासकर करंट क्रिकेटर ने इस तरह की स्टेटमेंट दी हो। उन्होंने पहले इससे पहले ये भी कहा, उन्होंने बोला कि भारतीय क्रिकेटर्स तो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आकर खेलें, मगर वो जाहिर है कि वो फॉलो करेंगे जो भी बीसीसीआई उनको कहेगा या जो भी उनकी गवर्नमेंट उनको कहेगी, मगर वो खुद चाहते हैं, यानी इंडियन क्रिकेटर चाहते हैं कि पाकिस्तान में आकर उनके लिए वो क्रिकेट खेल पाए। तो ये हसन अली की स्टेटमेंट है और उन्होंने जिसे बोलते हैं ना बड़ा क्रिटिकल, एक सीधा बिल्कुल निशाने के ऊपर आकर बात की। उन्होंने बोला कि अगर भारतीय टीम नहीं आती है तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हसन अली या पाकिस्तान के करंट क्रिकेटर ये कह रहे हैं कि अगर भारत नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट खत्म हो जाएगी, और भी बहुत सी टीमें, यानी इंडिया के अलावा भी बहुत सी टीमें हैं जो क्रिकेट खेलती हैं, और अगर नहीं भारत आना चाहता तो वो ना आए। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक होनी चाहिए, बाकी टीमें आए और टूर्नामेंट पूरे का पूरा हो जाए। अगर वर्ल्ड कप 2026 भारत वहां पे कराए और पाकिस्तान ना आए, इवेंट तो हो जाएगा, इवेंट थोड़ी रुक जाता है, किसी के आने ना आने से इवेंट नहीं रुकता, वो हो जाता है, शो चलता रहता है। बट पॉइंट इज कि वो मजा नहीं है। अब वो बीसीसीआई खुद भी कितना विलिंग है पाकिस्तान आने के लिए, ये भी बहुत क्वेश्चन मार्क है कि बाजू का बोर्ड कितनी हद तक कोशिश करता है, क्योंकि उनके वालिद साहब एक अच्छी पोजिशन में भारतीय सरकार के साथ।